देश भर में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं आफत वाली बारिश हो रही है तो कहीं धूप और भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। यूपी बिहार जैसे राज्यों में भीषण गर्मी के चलते लोग बेहाल हैं, वहीं सिक्किम असम राजस्थान में बारिश से हाहाकार है। अगर देश की राजधानी नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी सोमवार को ही बारिश के बाद गर्मी से हल्की राहत है। हालांकि मंगलवार को धूप और बादल की आंख मिचौली देखने को मिली। वहीं आज यानी बुधवार को भी बूंदाबांदी एवं हल्की बारिश होने की संभावना है। बिपरजॉय के कारण राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में पहली बार मानसून से पहले बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो चक्रवात बिपरजॉय के चलते अजमेर में हुई बारिश ने पिछले 105 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजस्थान के बाड़मेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर में हुई बारिश से बाढ़ के हालात हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। विभाग ने धौलपुर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, वहीं बादल गरजने के साथ बिजली कड़कने का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं भरतपुर, करौली जिलों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने इस जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, दौसा, जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दरअसल चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर पूर्वी राजस्थान में आकर कमजोर पड़ गया। राज्य के पाली, सिरोही, राजसमंद, बाड़मेर जिलों में बारिश से हालात अभी भी खराब हैं। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक बारिश पाली के मुठाना में 530 mm यानी 21.2 इंच, सिरोही के शिवगंज में 14 इंच, टोंक के नगर फोर्ट में 12.6, राजसमंद के गड़बोर में 15.4 इंच बारिश दर्ज की गई। सोमवार को टोंक, जयपुर व सवाईमाधोपुर, करौली सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। अजमेर में 4 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली NCR में एक दिन के सुहावने मौसम के बाद मंगलवार को सुबह से ही लोगों को उमस भरी गर्मी ने परेशान किया, लेकिन आज एक बार फिर से मौसम चेंज हुआ। दिल्ली में बुधवार सुबह कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है। वही IMD का कहना है कि 25 जून को मौसम में फिर बदलाव आएगा। जानकारी के अनुसार आज सुबह दिल्ली के पालम समेत कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। वहीं फिलहाल आसमान में बादल छाए हुए हैं। IMD का कहना है कि कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की बरसात हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन उमस भरी गर्मी रहेगी और तापमान भी 40 डिग्री के आसपास रहेगा। 25 और 26 को फिर से बरसात होने का अनुमान है। इस महीने भी दिल्ली में लू चलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार कल अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री रहा, यह सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा, यह भी सामान्य से 1 डिग्री कम है। हवा में नमी का स्तर 49 से 87% तक रहा। कुछ जगहों पर सोमवार रात बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के सफदरजंग में सुबह 8:30 बजे तक 4.4 mm, पालम में 4 mm, लोधी रोड में 5.6 mm, रिज में 6.2 mm, आया नगर में 1.3 mm, गुरुग्राम में 2 mm, डीयू में 5.5 mm, गाजियाबाद में 2 mm, मंगेशपुर में 5.5 mm, नजफगढ़ में 0.5 mm, पीतमपुरा में 8 mm, पूसा में 3.5 mm, CWG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 mm और मयूर विहार में 7 mm बारिश दर्ज हुई। यूपी की बात करें तो राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं गरज के साथ एक या दो बार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो लखनऊ में भी मौसम का मिजाज 26 जून तक बदला हुआ रह सकता है। गाजियाबाद की बात करें तो आज यहां न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री रह सकता है। गाजियाबाद में बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।